अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरे से होंगे। आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। इसके लिए मेरे लिए हैं 4 किलो गाजर, और इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, उसको पतील में डाल दिया। मेरे पास बर्तन नहीं था कोई, इसलिए मैंने इसी में रखा है। और इसे मैंने फ्लेम ऑन कर ली है। अब ये गाजर का हलवा हमने बनाना शुरू कर दिया है। ये 1 किलो दूध लिया है मैंने, इसे बॉइल कर लिया है। अब इसी गाजर में मैं 1 किलो दूध मैं शामिल कर दूंगी। और इसको मैं चमचा चलाऊंगी, इसका चमचा चलाते रहना है ताकि ये चिपके ना। अभी से मैं आपको 10 मिनट में दिखाऊंगी तो ये कम हो जाएगा। अभी 10 मिनट में हम इसको दोबारा चेक करते हैं, और ये गाजर थोड़े से कम हो गए। अब इसे मजीद और 10 मिनट तक हम पकाते जाएंगे और इसे चमचा चलाते जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर में। कम होता जा रहा है, ये तकरीबन 1.25 घंटा हो गया है। ये मजीद और पकेगा। बिल्कुल हल्की आंच पे बनाएंगे इसे, और इसको चमचा चलाते जाएंगे। आंच देख लें आप कितनी रखनी है। मैं इसे देखिए, ये पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, इसका दूध सॉरी। अब इसमें मैं ये 1 पाव जितना घी है ये डालूंगी इसमें। मिक्स कर लेंगे इसे, और ये चीनी भी, ये 1 काप जितनी चीनी है ये भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। यम्मी यम्मी। चीनी और इसमें घी डाल दिए हैं। आप इसे मजीद 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। अब इसमें खोया भी डालूंगी, ये 1 पाव खोया लिया है मैंने। ये अंडे बॉईल किए, ये अंडे बॉईल किए ये मैंने रख दिए इस पे। अब ये बादाम और पिस्ते गार्निशिंग के लिए,
गाजर का हलवा हमारा मज़ेदार रेडी है। आप इसे ट्राई करें और मुझे बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।